This is the first application on behalf of plan number 2, Prem Kishore. प्लान नंबर टू क्या नाम है? प्रेम किशोर राठौर. प्रेम किशोर राठौर. डेट ऑफ इंसिडेंट? इस केस में होता यह है कि चचा बाबा की लड़ाई है, घरेलू लड़ाई है, उसमें मृत्यु हो जाती है. बाद में ये मिलते हैं, एक्चुअली लाश मिलती है और वो रेलवे ट्रैक पर मिलती है. अब इसमें थोड़ा सा ये मामला आता है कि जब ये बॉडी मिली तब ये कहा जा रहा था, जितनी भी उस वक्त की कार्रवाई है, कि रेलवे ट्रैक पर इनका रेल से कटने के कारण मृत्यु हो गई. इसी बात को लेके पहुँचे दूसरे वकील साहब, उन्होंने इस बात को आर्ग्यू किया. बट देखिए किस बेहतरीन तरीके से इस बात को साबित किया, तो ये हम सब लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है, जानकारी के लिए कि इस तरह से आर्ग्यू करते हैं. और फाइनली इसमें बेल नहीं होती है. आइए देखिए. सर, डेट ऑफ इंसिडेंट 13/6/2012. डेट ऑफ जेल सेंटेंस, सॉरी पीरियड ऑफ जेल इनकार्सरेशन? सर अबाउट 9 मंथ्स. हैं? 9 मंथ्स. डेट ऑफ जजमेंट? डेट ऑफ जजमेंट 8/12/2021. ऑफेंस? सर ऑफेंस 302. सोल अपेरेंट? नहीं सर, 3 अक्यूज. रेड विद सेक्शन 334. दिस इज यू आर प्रेम किशोर राठौर सर. प्लीज कम टू पैरा 2 और 3. कम टू पैरा 2 और 3 बोथ. पैरा 3 में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त अभियोजन मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृतक वृद्धाराम और उसके भाइयों करण सिंह, भोगीराम, देवलाल के गदाईपुरा स्थित संयुक्त मकान का मौखिक विभाजन लगभग 20-25 वर्ष पूर्व हो चुका था. मृतक बुद्धराम और उसके भाइयों करण सिंह, भोगीराम, देवलाल का स्थित संयुक्त मकान का मौखिक विभाजन 25 हो चुका था. ठीक है. मृतक के हिस्से के मकान के संबंध में अभियुक्त राजेंद्र की नीयत खराब होकर उसके द्वारा मकान के विभाजन हेतु. हु इज राजेंद्र? सर राजेंद्र इज को एक्यूज माय फादर. नो, इज ही रिलेटेड टू द बुद्धराम? नो सर, रिलेटेड विद द बुद्धराम. भतीजा? अच्छा, बुद्धराम इज भतीजा. बुद्धराम के भतीजे राजेंद्र. बुद्धराम के जो डिसीज है बुद्धराम, उनके भतीजे थे राजेंद्र. हाँ सर. हाँ. नियत खराब होने के कारण उनके द्वारा मकान के विभाजन हेतु अर्जी लगाई गई, किंतु इस दौरान देवलाल की मृत्यु होने से, देवलाल इज द फादर ऑफ द राजेंद्र. हाँ. देवलाल की मृत्यु होने से बंटवारे का मामला समाप्त हो गया. दिनांक 3/7/2007 की घटना के संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर उक्त मामला राजीनामे में समाप्त हुआ. उसके पश्चात अभियुक्तगण मृतक के हिस्से के मकान पर कब्जा करने के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे. दिनांक 12/6/2012 को अभियुक्तगण ने बनवारी लाल आशा 2 एवं राकेश आशा 1 के साथ गाली गलौज की, जिसके संबंध में बनवारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट की गई. इस पर अभियुक्तगण राजेंद्र, दिनेश एवं प्रेम किशोर द्वारा फरियादी पक्ष को धमकी दी गई कि मकान का विवाद ऐसे समाप्त नहीं होगा जब तक कि फरियादी पक्ष में किसी को निपटा नहीं देंगे. घटना दिनांक 13/6/2012 की रात्रि 1 बजे तक अभियुक्तगण द्वारा मकान के विवाद को लेकर मृतक बुद्धराम के साथ पंचायत की गई. दिनांक फिर मृतक बुद्धराम राठौर अपने घर आ गया. दिनांक 13/6/2012 को प्रातः 4 बजे लगभग अभियुक्तगण राजेंद्र, प्रेम किशोर, दिनेश गदाईपुरा स्थित मकान मृतक के मकान पर आए और बात करने के लिए मृतक बुद्धाराम को अपने साथ ले गए. मृतक के काफी समय तक वापस नहीं लौटने पर उनके पुत्र फरियादी राकेश द्वारा मृतक को खोजना प्रारंभ किया गया. मकान के कुछ दूरी पर मृतक के जूते डंडे मिले. अभियुक्तगण ने मृतक के बारे में पूछने पर उनके द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया. तत्पश्चात वृद्ध पुरुष की लाश संजय नगर रेलवे पटरी के पास पड़ी होने की जानकारी मिलने पर फरियादी राकेश द्वारा उक्त स्थान पर गया तो उसने अपने पिता बुद्धराम की लाश देखी. उसके गले में तौलिया साफी का फंदा पड़ा था. मृतक की मृत्यु के संबंध में उक्त स्टेशन प्रबंधक लक्ष्मीकांत द्वारा सूचना प्रदर्शी 13 दिए जाने पर सहायक उप निरीक्षक एन त्रिपाठी द्वारा जाँच कर मामला दर्ज किया गया. सर मैं थोड़ा सा श्रीमठ सर 13 तारीख की ये घटना होना बताई गई.
13 तारीख को कंसर्निंग पुलिस ने मर्ग कायम किया और उस मर्ग इन्फॉर्मेशन पर रेलवे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि रेलवे पटरी पर एक लाश पड़ी हुई, जांच के लिए गए वो। जांच पर इनको मालूम पड़ा कि इनके घर वाले एग्जिट P4 का नक्शा पंचायत नंबर लाश, उसमें इन सारे घर वालों को बुलाया गया। उन्होंने कहा साहब ट्रेन एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई। आईओ एग्जामिन हुए, आईओ ने कहा 13 तारीख को इन्होंने हमारे को इस संबंध में कतई कोई सूचना नहीं दी कि ये लोग ले गए हैं या इन्होंने कुछ ऐसा किया। 14 तारीख को इन्होंने एक रिटर्न रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा साहब फादर हमारे को ले गए थे ये लोग उनको, और दो विटनेस इसमें बने, PW1 राकेश जो डिसीज का सन था और PW9 वीरेंद्र जो कि उनका दामाद, वो डिस्टेंसली रहता था दो से। इन लोगों ने ये स्टोरी डेवलप की कि साहब रात को 4 बजे ये लोग तीनों लोग आए और 4 बजे ये लोगों ने कहा हमें बातचीत करनी है और ये ले गए। 1 बजे तक ये लोग कहते हैं कि रात को सब वार्तालाप हुई थी। जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उनकी बॉडीज पर ट्रेन एक्सीडेंट्स के डेथ के कारण उसकी कटिंग हो गई थी, इसके कारण उसकी डेथ हुई थी। कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर ने पॉइंट आउट किया कि वो एक्सीडेंटली उसका पार्ट हुआ तो उसका सिर हाथ सब कट चुके थे, उनके कारण डेथ। सर मारते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्लियर वर्सन इन लोगों का कहीं नहीं था इस बात के लिए 13 तारीख को कि हम लोग ले गए या हम लोगों ने ऐसा किया, चूंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। 13-14 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के दी और उसमें एप्लीकेशन में ये सारी स्टोरी डेवलप की कि ये लोग रात को ले गए और इस तरीके से करके। इनफैक्ट ये सर घर के पास में संजय नगर है और वहाँ से रेलवे की क्रॉसिंग से है जहाँ जनरली लोग सुबह घूमने निकलते हैं या पार्ट करते हैं। ये 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन थे, ये वहाँ निकले और वहाँ एक्सीडेंटली इनके संग ये घटना, और इसको इन्होंने बाद में ये रूप दे दिया कि साहब इन्होंने उनका मर्डर कर। ये Followed my respectful submission, according to the prosecution case, admittedly the death of the deceased due to antemortem injury sustained by the train accident. यहाँ जो जिसको आपने एक ने कहा पैरा 14 में ट्रायल कोर्ट हैज डिस्कस कि जो एग्जिबिट P4 का जो पंचनामा बना है, एग्जिबिट P4 का पंचनामा केवल इसलिए सफीना इस मार्क के लिए होता है कि हाउ द प्राइमा फेसाई डेथ कैसे लग रही है उसके, वो ये नहीं है कि इट इज दी सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस के इससे ही सारे एलिगेशंस को किया है। सुबह जब ये मालूम पड़ा तो मर्ग जांच के दौरान 13/6/12 को GRP ग्वालियर में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ रहते हुए मर्ग क्रमांक 47/12 की डायरी उसने मर्ग जांच हेतु प्राप्त हुई। जांच के दौरान उसने मृतक बुद्धाराम राठौर के संबंध में सफीना फॉर्म प्रदर्श P3 जारी किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक की लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्शित साक्षीगण के समक्ष तय किया जिस पर भी उसके अधिक पंचों की राय में मृतक की मृत्यु संभवतः रेल से कटने के कारण हुई। दिस इज दी ये एक समन। अब समन जो एविडेंस है ही वॉज हैविंग दी मोटिव, देर वॉज प्रीवियस एनिमिटी, विटनेस कोई इतना लंबा नहीं, 13 की है, 14 को वो रिटर्न कंप्लेंट करता है विटनेस फरियादी राकेश राठौर एंड ही स्पेसिफिकली स्टेटेड कि ये लोग आए और उसको लेकर के गए। उन्होंने लास्ट सीन की एविडेंस है, होमिसाइडल डेथ है, मोटिव है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए जो जी लिंक है वो सब पैरा 28 में लर्न ट्रायल कोर्ट है डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट राकेश। फरियादी राकेश राठौर आशा एक ने यह भी कथन किया है कि उक्त दिनांक को परिवार के सभी लोग रात्रि 1 बजे तक आपस में बैठ के बात करते रहे। इसके पश्चात उसके पिता बुद्धाराम नए मकान पर आ गए। दिनांक 13/6/12 को प्रातः 4 बजे लगभग उसके पिता बुद्धाराम को बुलाने के लिए अभियुक्तगण राजेंद्र, दिनेश और प्रेम किशोर प्रेजेंट अपेरेंट आए। उसके पिता को पुराने मकान पर ले गए। काफी देर बाद उसने सुबह जाकर देखा पिता के डंडे व जूते रोड पर पड़े हुए हैं। उसने अभियुक्त राजेंद्र से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं तो अभियुक्त राजेंद्र उससे उल्टी सीधे बातें करने लगा और उसने कहा उसे नहीं मालूम। इसके बाद उसने अपने जीजा वीरेंद्र को बताया कि उसके पिताजी नहीं हैं तो उसके जीजा ने कहा देख राजेंद्र के साथ थे। फिर वह गाड़ी लेकर देखने गया तो रोड पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, एक वृद्ध की लाश रेलवे लाइन पर पड़ी है। यह भी कथन किया कि उसने GRP में घटना के संबंध में लिखित आवेदन प्रदर्श P1 दिया था। माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन मालूम कि यहाँ से घर से गया थोड़ी देर बाद उसका डंडा और जूता वहीं मिल गया तो अगर वो वहाँ जाएगा तो ये उसके साथ नहीं मिलेगा वहाँ। नहीं, वो जब सुसाइड करता है आदमी तो सोचता है मिनिमम वेट हो बॉडी। बहुत से लोग सर्वर मुड़ा के करते हैं, बहुत से लोग जो हैं मिनिमम बेयर मिनिमम क्लोथ पे चले जाते हैं ताकि
उठाने वालों थोड़ा सा कुछ नहीं है।